अब बाकी हम लोग करते थे। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। ओके टुडे वी विल रिवाइज ग्रामर्स फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। ओके फर्स्ट चैप्टर इज, विच इज फर्स्ट चैप्टर, अल्फाबेट वन। दिस इज फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन, अल्फाबेट वन। ओके दिस इज इन योर ग्रामर बुक। ओके व्हाट इज, नाउ टेल मी व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज अल्फाबेट, यू नो, यू ऑल नो व्हाट इज अल्फाबेट। टेल मी अंशिका, विल यू टेल व्हाट इज अल्फाबेट। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। ग्रामर फर्स्ट चैप्टर, ग्रामर चैप्टर वन, चैप्टर वन, यस। ओपन ओपन योर बुक। ओके यू ऑल हैव ओपन चैप्टर वन। अरीब, व्हाट इज अल्फाबेट, आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू व्हाट इज अल्फाबेट, टेल मी क्या। ग्रामर, ग्रामर बेटा, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर क्लाउड। ओके आई टेल यू व्हाट इज अल्फाबेट, when you were in nursery classes, you were in prep class, yes, this one, you have learned alphabet. सबसे पहले आपने क्या सीखा था, A for apple, B for ball, C for cat, A to Z सीखा था ना, सीखा था ना अंशिका? Yes ma'am, ma'am page number, yes ma'am, that is called alphabet, A to Z. जब हम A से ए से जेड तक हम बोलते हैं ना, दिस इज मैम पेज नंबर क्या है बेटा, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, दिस इज कॉल्ड अल्फाबेट। ओके नाउ हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज अल्फाबेट, ए टू जेड, द लेटर्स 26 लेटर्स इन इंग्लिश, ए बी सी डी टू जेड, ए से लेके जेड तक, दैट इज अल्फाबेट। ओके अंडरस्टूड अल्फाबेट, yes ma'am, okay now which are vowels in the alphabet, vowels, tell me what are vowels, who will tell what are vowels, a e i o u, yes very good, who told, drishya, drishya aapne bataya, arif yes, khan, no, arif khan, arif khan, very good arif khan, vowels, these are vowels, a e i o u, and these are how many letters, these are how many letters, five letters are vowels, a e i o u, and the rest are what are called, क्या क्या बोलते हैं दूसरे, जो और जो बी सी डी ये हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, ओके हम इनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ओके नाउ टेल मी फाइव फाइव कॉन्सोनेंट्स, फाइव कॉन्सोनेंट्स बोलो सब लोग, टेल मी फाइव फाइव कॉन्सोनेंट्स, नहीं नो, दीज आर वोवल्स, दीज आर वोवल्स नॉट कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, यस अरीब खान, यस बी सी गुड मॉर्निंग मैम, डी ओके
ओके नाउ दृश्या यू टेल दृश्या यू टेल फाइव कॉन्सोनेंट्स फाइव कॉन्सोनेंट्स नेक्स्ट फाइव कॉन्सोनेंट्स यस वेरी गुड नाउ अंशिका अंशिका यस मैम यू टेल फाइव कॉन्सोनेंट्स नेक्स्ट फाइव बी सी डी दे हैव टोल्ड ऑलरेडी नेक्स्ट फाइव आगे के बताओ जी के बाद बताओ जी के बाद जी एच आई आई इज कॉन्सोनेंट आई इज कॉन्सोनेंट आई इज नॉट कॉन्सोनेंट यस जे के एल यस गुड नेक्स्ट माही यू टेल नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स फाइव कॉन्सोनेंट्स ओके मैम फाइव कॉन्सोनेंट्स यू टेल आफ्टर जे एल एल के बाद बताओ एम एन एन ओ नो ओ इज नॉट कॉन्सोनेंट यू हैव टू स्किप ओ आपको ओ स्किप करना पड़ेगा बीच में बिकॉज ओ इज वॉवल ओ तो वॉवल है एम एन पी Q R very good these are consonants okay this concept is clear what is alphabet and what are vowels and what are consonants is that clear sabko samajh mein aaya ye have you understood yes ma'am okay. yes ma'am what is alphabet A to Z the letters A to Z are called alphabet 26 letters there are 26 letters in the alphabet 26 letters and five vowels these are vowels a e I o u and rest of letters are called consonants okay jo dusre hain wo consonant kehlate hain theek hai understood now tell me what is alphabetical order at alphabetical order What is alphabetical order? Tell me what is alphabetical order? Like bear, sheep, dog, ant. These are four words. Arrange these in alphabetical order. You know? Have you seen dictionary? कभी आपने dictionary देखी है? Dictionary देखी है कभी? Dictionary में क्या होता है? जैसे हम open करते हैं ना उसको When we will open this, then on the first page there are some words starting from A. Afterwards, after few pages, कुछ pages के बाद जब A से complete हो जाते हैं, then the words will start from B. B से start होने वाले, फिर C से start होने वाले, फिर D से. That is dictionary. Dictionary में ये words होते हैं. कुछ words होते हैं जो A, B, C, D उनसे start होते हैं. ठीक है दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स पहले ए से स्टार्ट होने वाला देन बी से फिर सी से फिर डी से ओके सो दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हेन वी अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब हम वर्ड्स को ए बी सी इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे दैट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओके ऑर्डर में लिखना मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लिखना अंडरस्टूड अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है समझ में आया नाउ टेल मी बेयर शिप डॉग एंड सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें से हम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ये सबसे पहले क्या आएगा इनमें से एंड ओके एंड वन नंबर वी विल गिव दिस वन नंबर देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर देन Bear. Okay, we will give this two number. Next, after this, dog. Dog. Okay, we will give this three number. And the in the end, sheep. Sheep. Okay, this is four. Sheep. Okay, and bear, dog, sheep. Because A comes first,
फिर उसके बाद बी सी का वर्ड नहीं है यहाँ पे, फिर उसके बाद सॉरी बी का है, देन बेयर बी वाला, उसके बाद सी वर्ड इज नॉट देयर, सी वाला वर्ड नहीं है, उसके बाद डी से स्टार्ट होने वाला, देन एस से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, लास्ट में एस वाला। अंडरस्टूड दिस? ये समझ में आया? ओके नेक्स्ट। नाउ पैरट डॉग फ्लोर कैट, ओके हु विल टेल? माही, माही यू टेल फर्स्ट। फोर वर्ड्स आर देयर, पैरट डॉग फ्लोर एंड कैट। द फर्स्ट वर्ड इज कैट, कैट, वेरी गुड। देन आफ्टर डॉग, डॉग, ओके, कैट इज फर्स्ट, देन डॉग इज सेकेंड, नेक्स्ट नेक्स्ट फ्लोर, यस दिस इज थर्ड, एंड लास्ट इज फ्लावर, पैरट, पैरट इज लास्ट, पैरट इज लास्ट, ओके पैरट। सो आवर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन ऑर्डर वर्ड्स आर कैट डॉग फ्लोर पैरट, ओके अंडरस्टूड, अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट किंग गोट वुल्फ सन, ओके हु विल टेल? अरिब खान, अरिब खान यू टेल, अरिब खान, यस मैम, किंग गोट वुल्फ एंड सन, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, व्हाट विल द फर्स्ट वर्ड, थिंक थिंक व्हाट विल कम फर्स्ट, के जी डब्ल्यू एंड एस, इनमें से सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट में, व्हाट इज द फर्स्ट, फर्स्ट लेटर इज इन अल्फाबेट, अंशिका यू टेल, अंशिका बेटा यू टेल, किंग गोट वुल्फ एंड सन, द फर्स्ट वर्ड इज गोट, ओके वेरी गुड, आफ्टर दिस किंग, वेरी गुड, सेकेंड इज किंग, देन वुल्फ एंड सन, वॉट इज फर्स्ट, वुल्फ और सन में से क्या आएगा, डब्ल्यू और एस में से सन, ओके दिस इज सन, एंड वुल्फ इज फोर, फोर नंबर वुल्फ, ओके नेक्स्ट अर्थ जग बोट फैन, हु विल टेल? दृश्या, दृश्या यू टेल, दृश्या यस, अर्थ जग बोट एंड फैन, सी द फर्स्ट लेटर बी एफ ई जे, इनको देख के आप फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट में, इनमें से ई जे बी एंड एफ, व्हाट विल कम फर्स्ट, सबसे पहले यस यस बी, बी वाला वर्ड कौन सा है, विच इज द वर्ड, स्पीक द वर्ड, बर्ड है, बी ओ ए टी बोट, रीड दिस बोट, यस दिस इज बोट, रीड प्रॉपरली बोट, दिस इज बोट वन, ओके नेक्स्ट ई जे एंड एफ, अर्थ, अर्थ गुड, दिस इज सेकेंड नंबर, थर्ड जे और फैन, जे या फैन में से क्या आएगा, फैन, फैन, ओके दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, ओके नाउ टेल मी हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपरली, सबको समझ में आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके हैव यू अंडरस्टूड, ओके नेक्स्ट Now here are some words starting from S, W, O or R. R से start, S से start होने वाले two words are there. Sun, snake. Now tell me one one more word. S से start होने वाले one one words बोलो. Anshika, starting from S, speak one word. Yes. Yes. Sun. Sun is there already, beta. Snake is there. Snake is there. One more word.
वन मोर एक यस यस स्कूल स्कूल वेरी गुड स्कूल ओके स्कूल इन योर लाइफ स्कूल वर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट है ना. आपकी लाइफ में स्कूल वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि स्कूल को आप मिस कर रहे हो बहुत. आप स्कूल जाते हो रोज है ना. ओके वेरी गुड स्कूल अच्छा वर्ड बताया आपने. माही आप बताओ एस से स्टार्ट होने वाला एक और. माही यस मैम. ओके डब्लू से डब्लू. दिस इज वॉटर दिस इज विंडो. वन मोर वर्ड डब्लू. एनी वर्ड यू कैन मैम वॉच. Watch, very good. Watch. We will write here watch. Okay. Next, O. Starting from O. Drishya. Drishya. Yes, ma'am. O से start होने वाला word बोलो. Any word you can speak. O R O X. OX is there. Ox. Ox is there. One more word. Mahi, you tell. O say. Ma'am, oil. What? Oil. Oil. Okay, very good. Oil. Okay. And last R, starting from R. उन्नति यू टेल स्टार्टिंग फ्रॉम आर. अ वर्ड आर से स्टार्ट होने वाला. मैं बताऊं? यस यू टेल. मैं बताऊं? यस रन रन. ओके रन. एंड वन मोर रोज. Okay, these are some words. Okay, next. Okay, next topic is chapter second sentences in your grammar book. Okay, grammar में chapter second है ना sentences. This is on page number 8. Page number 8, chapter 2, sentences. First of all, tell me what is a sentence. What is a sentence? Okay, what is a sentence? Don't know? Okay, I will tell you. A sentence is a group of words. Like, here are some words. Like, she is a nice girl. See, 1, 2, 3, 4, 5 words are there. This is a group of words. Words are a group, Anna. This is a group of words. 5 words are there. She is a nice girl. And here is full stop. यहाँ पे full stop है ना. End में full stop है. So a sentence is a group of words. एक words का group होता है. फोर फाइव सिक्स सेवन एनी मेनी वर्ड्स आर देयर. इतने भी वर्ड्स हो सकते हैं और वो प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं. प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए तभी वो सेंटेंस बनेंगे. ओके दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सेंटेंस. डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर एंड हैज अ कंप्लीट सेंस. जिसका कोई सेंस होता है. अगर हम ये बोलेंगे द रैबिट का कोई सेंस नहीं है. मतलब रैबिट कहाँ है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. द रैबिट दिस इज नॉट अ सेंटेंस. दिस इज नॉट अ सेंटेंस. ये सेंटेंस नहीं है.
इज गोइंग दिस इज नॉट अ सेंटेंस, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है. सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. द सन, द सन मतलब क्या, ये सेंटेंस कैसे हो सकता, दिस इज ओनली अ वर्ड, ये सेंटेंस नहीं है, नहीं है ना. सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस. नो मैम. इज जंपिंग, हु इज जंपिंग, वेयर इज जंपिंग, वी डोंट नो. तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. द मंकी, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये भी सेंटेंस नहीं है. बट सी, शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ नाइस गर्ल, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज दिस सेंटेंस हैज अ कंप्लीट सेंस. इसका कोई सेंस है, प्रॉपर ऑर्डर में है, ये वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में है. ओके, नाउ इफ आई विल राइट हियर, द रैबिट इज ईटिंग ग्रास. अब देखो, द रैबिट इज ईटिंग ग्रास, मैंने यहां पे ये लिखा द रैबिट इज ईटिंग ग्रास, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया. हियर इज फुल स्टॉप, जो सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर. सी हियर इज द कैपिटल, ओके, ये द कैपिटल है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके, इसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है, इसमें वर्ड्स का ग्रुप है, इसका एक कंप्लीट सेंस है, सो दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अंडरस्टूड व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस समझ में आया? Yes, समझ में आया व्हाट इज अ सेंटेंस? नाउ टेल मी, हु विल टेल द डेफिनेशन? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. स्पीक. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Speak everyone. A sentence is a group of words. That makes a complete sense. That makes a complete sense. Complete sense. Yes. This is a the definition of sentence. What is a sentence? ये समझ में आया? A group of words that makes a complete sense, जिसका एक sense होता है. Now, see, a sentence always start with a capital letter and end with a full stop or question mark or exclamation mark. Okay? एक sentence हमेशा capital letter से start होता है और next page. Now see, the revolves earth sun around the. Arrange this sentence. ये sentence नहीं है ना? No, ये sentence नहीं बना. आपको समझ में आया? No. This is not a sentence. Okay? This is not a proper sentence. Why? Because this is not arranged in proper order. ये order में नहीं है. The revolves earth sun around the. This is not a sentence. ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है ना. नाउ हु विल अरेंज दिस? हु विल अरेंज दिस? नो मैम. अरेंज दिस सेंटेंस एंड टेल मी. द रिवॉल्व्स अर्थ सन अराउंड द. अरेंज दिस इन प्रॉपर ऑर्डर. नो मैम. डोंट नो? ओके, आई टेल यू. देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सन एंड अर्थ दोनों है इसमें, बट अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, इसलिए अराउंड द सन लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, सन और अर्थ के दोनों के साथ द आएगा. यस, ये जो आप चैप्टर समझा रहे हो, ये हमें इंग्लिश की कॉपी में करना है? नो, दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी डन बेटा, दिस इज रिवीजन ओनली, है ना, ये रिवीजन वर्क चल रहा है, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं. ओके,
यू हैव ऑलरेडी ऑलरेडी डन दिस चैप्टर, सेकंड चैप्टर दिस इज, कर लिया ना अपने बुक में? यस मैम. ओके, दिस इज रिवीजन ओनली, हम रिवाइज कर रहे हैं. नाउ सी द सन, सॉरी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, हियर इज फुल स्टॉप. नाउ दिस इज अ सेंटेंस. अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया बिकॉज दिस सेंटेंस हैव अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, दिस सेंटेंस हैज अ कंप्लीट सेंस. अब इसका एक कंप्लीट सेंस है और ये सेंटेंस हो गया. नाउ सी माई हिज राहुल, सॉरी नेम हिज राहुल इज, दिस इज नॉट अ सेंटेंस. सेंटेंस नहीं है ना? सो अरेंज दिस, अरेंज दिस. कैसे अरेंज करेंगे? यस यस, टेल माही. स्पीक राहुल. नो राहुल नहीं बेटा, हिज हिज नेम इज राहुल. उसका नाम राहुल है. हिज नेम इज राहुल. ओके, वी विल अरेंज दिस. हिज नेम इज राहुल. ओके, नाउ फुल स्टॉप. नाउ दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. हिज नेम इज राहुल. ओके, नाउ आर ग्लासेस देयर सेवन ऑन टेबल. आर ग्लासेस देयर सेवन ऑन टेबल. दिस इज नॉट अ सेंटेंस. ये भी सेंटेंस नहीं है ना? बिकॉज दिस इज, दीज वर्ड्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. दीज वर्ड्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है ना? नाउ टेल, आर ग्लासेस देयर सेवन ऑन टेबल. हु विल टेल, हु विल अरेंज दिस? देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयर आर सेवन ग्लासेस ऑन टेबल. देयर आर सेवन ग्लासेस ऑन टेबल. ओके, टेबल पे सेवन ग्लासेस है. नाउ हेयर इज फुल स्टॉप. ओके, द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड इन द एंड देयर इज फुल स्टॉप. सो दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज अ प्रॉपर सेंटेंस. ओके, okay ma'am, understood. Now there are seven glasses on the table. Understood this? Now see, these are two signs, full stop and question mark. Okay, now which sentence has question mark and which sentence where will we put question mark and where will we put full stop? Why did you come late? What will come here? Yahan pe kya aayega? Why did you come late? Question mark. Very good. Okay. Because this is a question. Does he live in Goa? क्या वो गोवा में रहता है? This is also a question. Question. So here is also question mark. She is cooking food. This is a simple sentence. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? Full stop. Full stop. Okay. Full stop. There are 7 days in a week. So here, what?
देयर आर 7 days इन अ वीक, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप. देयर आर 7 days इन अ वीक, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप. यस देयर इज फुल स्टॉप. ओके, व्हेन वी आस्क समथिंग दैट इज क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. और जब हम किसी को कुछ बताते हैं, ओनली व्हेन वी टेल, जब हम किसी को कुछ बताते हैं, सिर्फ बताते हैं, नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट. तो वो स्टेटमेंट होता है, तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप. और जब हम कुछ पूछते हैं किसी से, तब उसके लास्ट में एंड में क्वेश्चन मार्क. ओके ओके मैम, अंडरस्टूड दिस? क्वेश्चन मार्क एंड द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड ओके नाउ हेयर आर सम वर्ड्स दिस साइड एंड दिस साइड. ओके, आपको ये मैच करके बताना है किसके साथ कौन सा ये मैच होता है, तब ये सेंटेंस बनेंगे. तो ये सेंटेंस, दिस इज दिस विल बी फुल सेंटेंस. ओके, दिस इज देयर आर द सन वी आर. ओके नाउ दिस इज, इसके साथ क्या मैच होगा, गुड स्टूडेंट्स राइजेज इन द ईस्ट, अ नाइस कार, मैनी ट्रीज इन पार्क. दिस इज अ नाइस कार. We will match this. This is a nice car. This is a complete sentence. Sentence बन गया. Ma'am. Yes. Yes, बेटा. Ma'am, जो ये second वाला जो question है, वो कौन सा है? Second वाला? कौन सा बेटा? Ma'am, match में ये first जो आपने match किया है, इसका जो second नीचे वाला second है, ये कौन सा question है? This one. Yes, ma'am. There are. इसको किससे मैच करेंगे हम? Ma'am, there are good students. There are good students. No. और सोचो. There are many trees many in trees. Park. Yes. There are many trees in park. Okay. यहाँ पे पार्क में बहुत सारे ट्रीज हैं. देयर आर मैनी ट्रीज इन पार्क. थर्ड वाला क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड इज द सन. द सन, द सन, देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क. द सन, द सन, द सन, गुड स्टूडेंट्स या राइजेस इन द ईस्ट. The sun rises in the east. No. Yes, rises in the east. The sun rises in the east. Okay. Ma'am, now, fourth last question. We are. अब आपने बोला था ना good students. So we will match this. We are good students. हम सब अच्छे students हैं. We are good students. Okay. This is. These are the sentence. These are. Proper sentences. Okay. Okay, ma'am. This is a nice car. This is a sentence. There are many trees in park. This is a sentence. The sun rises in the east. And here is full stop at the end. Okay. सबके एंड में full stop है. We are good students. Okay. These are the okay. sentences. Okay, ma'am. Okay, the class is over now. Have a ma'am? Nice day. Yes. Bye. Have ma'am? A nice day, beta. Bye. Ma'am. Okay. Ma'am. Yes. जो आपने चैप्टर समझाया है. Yes. ये हम कॉपी में नो बेटा, हाँ यू हैव ऑलरेडी डन दिस इन द बुक. ओके, ये ग्रामर बुक में करना है. इफ यू हैव नॉट डन
सो डू इट इन योर ग्रामर बुक, ओके? अगर ओके आपने मैम, नहीं किया है तो ग्रामर बुक में करना है, ठीक है? ओके ओके बाय, हैव अ नाइस बाय डे, मैम, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, बाय मैम।